मॉर्निंग, मैं जावेद खान, सहायक अध्यापक, स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सिखाता। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। हिंदी किताब की एक महत्वपूर्ण कविता लेकर के आज हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं और इस कविता के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें या हम सबको समाज से किस प्रकार अंधभक्ति, भय, संशय को दूर करके समाज में नया प्रकाश लाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि क्या कह रहा है और ईश्वर से क्या वरदान मांग रहा है। राइटर इसके सुमित्रानंद पंत जी हैं। हमने ये जो लिखा है 8-10 तारीख में हिंदी सब्जेक्ट से हम लिए हैं। शीर्षक का नाम है, ये जो कि आपका है शीर्षक, पाठ जिसको बोलते हैं शीर्षक, आपका ये शीर्षक है चीर मान। चीर के माने होता है पुराना, बड़ा जिसको कहते हैं, और महान के माने महान, चीर महान। यानी महान कौन होता, बड़ा कौन होता, पुराना कौन। आज कविता के माध्यम से हम विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। जैसा कि अब यहां इनके राइटर जो हैं, लेखक जो हैं, ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता को लिखा है और बखूबी इतना बढ़िया अंदाज अंजाम दिया है इस कविता का कि मन प्रभावित हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो आइए देखते हैं, जैसा कि यहां दिया गया है कि जग जीवन में जो चिर महान। जग जीवन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि संसार रूपी जीवन। जग के माने होता है, हर कोई जानता है, जग के माने होता है संसार। जग के माने संसार और जीवन के माने होता है जिंदगी। जिंदगी कह लीजिए या जीवनी कह लीजिए, संसार रूपी जीवन यानी संसार के जीवन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। जग जीवन में यानी संसार रूपी जीवन में जो चिर महान, चिर माने होता है बड़ा या पुराना, ये हो गया। और महान माने भी बड़ा होता है। तो संसार रूपी जीवन में सबसे महान और सबसे बड़ा, या कह लीजिए सबसे पुराना, वही होता है संसार रूपी जीवन में। एक होता है कि मनुष्य अपना व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करता है, अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचता है, और एक होता है संसार रूपी जीवन में। व्यक्तिगत जीवन का मतलब यह होता है कि जैसे अपने से मतलब रखना और उनको किसी से मतलब नहीं रखना है, तो ऐसे जीवन को व्यक्तिगत जीवन कहते हैं। उनको दुनियादारी नातादारी से कोई मतलब नहीं रहता, उनका कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन संसार रूपी जीवन, तो ऐसे लोग जो केवल अपना जीवन अपने लिए ही जीते हैं, वो संसार में चिर नहीं हो सकते हैं, चिर महान कभी भी नहीं हो सकते हैं, बड़े पुराने कभी नहीं हो सकते हैं। संसार में तो चिर महान यानी सबसे महान सबसे बड़ा वह व्यक्ति होता है संसार रूपी जीवन में। संसार रूपी जीवन में सबसे महान वह व्यक्ति होता है जिसका मन सत्यता से भरा हुआ होता है, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राप्त, जिसका मन सत्यता और सुंदरता से परिपूर्ण होता है, जिसका मन एकदम सत्य होता है, सुंदरता से भरा होता है, उसके अंदर कोई लोभ लालच कपट नहीं होता है, वह केवल अपने लिए नहीं जीता है बल्कि वो संसार के जीवन की चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति संसार रूपी जीवन में
महान होता है अर्थात बड़ा। ये सुमित्रानंद पंजी ने कितने बड़े दर्शाया। इसके बाद कहते हैं कि मैं उसका प्रेमी बनूंगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, नाथ के माने हम कोई जानता है ईश्वर, नाथ के माने हो गया ईश्वर, और प्रेमी के भी माने को हर कोई जानते हैं। प्रेमी के माने आशिक कह लीजिए या दीवाना कह लीजिए, दोनों कह लीजिए। तो कल ईश्वर से कहता है कि हे ईश्वर, मैं ऐसे व्यक्ति का प्रेमी बनना चाहता हूं, ऐसे मनुष्य का आशिक बनना चाहता हूं, या ऐसे आदमी का दीवाना बनना चाहता हूं जो हो मानव हित के समान। मानव हित के समान का मतलब होता है मानव की भलाई करने वाला, मानव की भलाई करने वाला। ये तो इससे क्या होता है, कवि सुमित्रानंदन पंजी कहते हैं कि मैं उसका प्रेमी बनूंगा। कहते हैं हे ईश्वर, मैं ऐसे मनुष्य का प्रेमी बनना चाहता हूं, ऐसे व्यक्ति का आशिक बनना चाहता हूं जो संपूर्ण मानव जात की, पूरे मानव जात की भलाई के बारे में सोचता हो, अर्थात मानव जात की भलाई करता। तो कहने का मतलब यह है कि इस सुमित्रानंदन पंत जी के दिए गए कविता के माध्यम से, इनके लिखे गए कविता के माध्यम से हमें यह सीख मिलता है, हम सबको यह सीख मिलता है कि संसार में ऐसे लोगों का, संसार रूपी जीवन में ऐसे लोगों का जीवन सबसे महान होता है जिनका मन सुंदरता से भरा हुआ तथा सत्य से भरा हुआ होता है। और कभी इसके बाद कहता है कि हमें प्रेरणा देता है, हम सबको सीख देता है कि ऐ दुनिया वालों, हे मनुष्यों, हमें ऐसे व्यक्ति का आशिक बनना चाहिए, ऐसे मनुष्य का पुजारी बनना चाहिए, ऐसे व्यक्ति का दीवाना बनना चाहिए, अपने ही बनना चाहिए जो संपूर्ण मानव जात की भलाई करता हो या भलाई करने वाला हो। तो मित्रों, आज का वीडियो बस इतने, समय का थोड़ा अभाव है, अगले टॉपिक में फिर हम मिलेंगे गद्य संकलन या काव्य संकलन से, जो भी हम लाएंगे यहां दर्शाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही वीडियो, इसको देखिए और इसके अर्थों से जो हमने दर्शाया है या जो कभी अपने माध्यम से हमें सीख देना चाहता है कि हमें कैसे संसार से अंधभक्ति, अंधकार, संशय, भय को दूर करना चाहिए, हमें कभी के इस विचारों को पढ़ करके हमें सीख लेना चाहिए। और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट अगले दिन हम फिर अगले वीडियो में आप लोगों से ऐसे ही अच्छे कवि के बाणियों से, उनके संस्कारों से फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए अब इसी पे हम विराम लगा रहे हैं और आप सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय